everybody and I'm Kautilya Pandit and today I will be giving my house tour और मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे कैसे उठता हूँ, क्या क्या करता हूँ पूरे दिन में। तो कई ऐसी चीज़ें जो बताने की नहीं, लेकिन वो भी बता दूंगा क्योंकि आज तो everything would get disclosed। तो ये मेरा घर है, currently we are in Kohand village, तो एक छोटा सा गांव है जो कि GT road के ऊपर ही पड़ता है। और ये हमारा स्कूल है, ये हमारा पर्सनल स्कूल है जो कि मेरे पापा जी चलाते हैं। और अभी छुट्टियाँ हैं, लॉकडाउन है। वैसे तो मैं गुड़गांव रहता हूँ, लेकिन कई सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ एंड दिस इज़ माई हाउस। तो सबसे पहले आपको मैं इस कमरे की ओर ले जाता हुआ, तो यहीं से मेरे दिन की शुरुआत होती है। और अभी दीदी ने सेट कराए कमरा, वरना बहुत ही गंदा रहता है, कुछ सेट नहीं होता। मैं यहाँ बिल्कुल पापा जी के पास सोता हूँ और वहाँ से उठता हूँ। फिर अगर मैं आपको अपने बुक्स के बारे में दिखाऊँ, तो ये मेरी कुछ फेवरेट बुक्स हैं, जैसे कि HC वर्मा और HC वर्मा की कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, विच इज़ रियली ग्रेट बुक, जो कि बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा मैं वर्ल्ड हिस्ट्री या इस टाइप के इंसाइक्लोपीडियाज भी पढ़ता हूँ। फिर ये बुक, दिस बुक स्टार्टेड मी, मतलब इस बुक ने ही मेरी शुरुआत करी, जो इसका 33rd एडिशन था, ऑक्सफर्ड स्कूल एटलस। और ये मेरी फर्स्ट बुक थी जिससे मैं फेमस हुआ, आप जो भी कुछ कह सकते हैं। और इसके अलावा मेरे को स्पेस बहुत पसंद है, और मेरे पास स्पेस के बहुत सारे इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं, जिनमें से एक ये है, जैसे पॉपअप फैक्ट्स की बुक है, जिसके अंदर ये क्रिएटिव फॉर किड्स है स्पेशली, और ये मेरे पास है कई सालों से एंड आई इवन लाइक दिस। तो इस टाइप की मेरे पास कई बुक्स हैं और यहाँ पर भी बुक्स भरी हुई हैं, नीचे भी बहुत सारी रखी हैं और ड्रॉर्स वगैरह के अंदर भी। और अगर मैं आपको इस बंक बेड के बारे में बताऊं, तो ये हमारी लॉकडाउन की आर्ट है। पर दीदी ने कहा कि अरे यार, हमको तो बंक बेड चाहिए पापा जी। फिर हमने क्या करा, हमारे घर पे दो खाटे रखी हुई थी, हमने एक को कटवाया, फिर ऐड कर दी, फिर प्लाई वगैरह लगवा के, गद्दे बिछा के, हमने एक अपना देसी बंक बेड बना दिया, बहुत ही कम खर्चे के अंदर, किफ़ायती मोड में, एंड इट वॉज़ रियली ग्रेट, पूरे मज़े आते हैं। एंड दिस इज़ आवर टेबल, ये मेरे कुछ गेम्स वगैरह हैं, मैं चेस वगैरह सब कुछ खेलता हूँ। और फिर ये तो होगी मेरी सुबह की बात। फिर मैं सुबह से आता हूँ और ऐसे चलता हूँ, और एक चीज़ जो मेरे दिन की सबसे ज़्यादा कॉमन है, कि ये है मेरी दीदी दीक्षा दीदी, और ये मेरी बड़ी दीदी। अभी तो आपको बिल्कुल ऐसे लग रही होंगी स्वीट, लेकिन जब आप इनके साथ कुछ करोगे फिर आपको पता चलेगा इनके अंदर कितना गुस्सा है। वैसे बहुत ही अच्छी हैं, शी इज़ इन माई क्लास एंड शी इज़ रियली ग्रेट। तो हमारा दूसरा कमरा है जिसमें किचन वगैरह है, ये बिल्कुल सेट नहीं रहता, बट इट्स फाइन, हम इसके अंदर ही पूरे मज़े वगैरह करते हैं, कभी कभी आते हैं। फिर ये देखिए, ये हमारा व्यू है, नीचे पापा जी, मम्मा और एक दादाजी आए हैं और एक अंकल जी, जो कि बात कर रहे हैं और अपना यूजुअल वर्क कर रहे हैं। तो ये उनका नॉर्मल डेली रूटीन चलता है। और मैं फिर क्या करता हूँ सुबह जल्दी उठने के बाद, जल्दी तो नहीं उठता, मैं थोड़ा लेट उठता हूँ, मम्मा कितना कहती हैं, ये मेरे अंदर कमी है जो कि मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड जल्दी ही मैं सोच रहा हूँ कि मैं जल्दी, बहुत ही जल्दी उठने लग जाऊँ। तो विद दिस, नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट वे, और यहाँ पर कुछ क्लासेस हैं, फिर हम नीचे जाते हैं जीने से। फिर सुबह सुबह मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत सारे गेम्स खेलता हूँ, मेरे पास बहुत ही कुछ है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट की तो मैं आपको क्या बताऊँ, कि लॉकडाउन जब हुआ पहले 2 महीने, मैंने और पापा जी ने एक काम करा, वो थी क्रिकेट खेलना, उसके अलावा हमने कुछ करा ही नहीं। हम दोपहर के अंदर भी क्रिकेट खेलते, शाम के अंदर भी और दिन में भी। और फिर मेरे को चीज़ों को चलाना बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे कि ये मेरा हवा बोर्ड है, अरे ऑफ हो गया, तो ये मेरा जैसे हवा बोर्ड है, ओके, तो जैसे ये मेरा हवा बोर्ड है और मैं इसको चलाता हूँ, वो मेरा स्केट बोर्ड है, मेरे पास स्केट्स वगैरह भी हैं। और ये हमारा ऑफिस है, अगर मैं आपको ऑफिस की तरफ ले जाऊँ, तो इसके अंदर मेरी कुछ ट्रॉफीज़ रखी हैं, और जो हमारा स्कूल है इसका ऑफिस है, जहाँ पापा जी बैठते हैं और वे उनका जो डेली वर्क होता है। तो ये अगर हमको बताओ, तो इसको ये कई लॉकडाउन की बात बंद पड़ा था, मैं इसकी लाइट्स ऑन कर देता हूँ, ओके। तो दिस इज एक्चुअली योर ऑफिस, जहाँ पर ये मेरी नियर अबाउट 1/10 ट्रॉफीज़ होंगी, क्योंकि इससे कम से कम 3-4 गुना गुड़गांव रखी हैं, कुछ ऊपर रखी हैं, कुछ चाचा के घर पे रखी हैं, तो बहुत सारी ट्रॉफीज़ हैं। और ये जो ट्रॉफीज़ हैं मुझे हमेशा रिमाइंड करती हैं अलग अलग चीज़ों का। और ये हमारे पीछे खेत रखे हैं, और अगर आप देखें तो हमारे पीछे बहुत सारे खेत हैं। और ये मेरी एक फ़ोटो है जो कि मेरे बर्थडे पे मिली थी, और ये मेरी कुछ हमारी ऑफिस है जो कि हमारे स्कूल का ऑफिस है। फिर अगर आप आगे आइए, तो ये हैं हमारे 2 लॉन्स, जिनको हम पूरा यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि स्कूल ख़त्म होने के बाद ये सारा हमारा ही होता है, हम इसमें सब कुछ खेलते हैं, मज़े करते हैं, झूला लगा है बच्चों के लिए। अभी वो थोड़ा टूटा हुआ है बिकॉज कई दिनों से यूज़ में नहीं था, तो फिर मैं आपको वहीं से आ जाता हूँ। हाय कर दो भाई, हाय दादी भी। तो अभी मैं अपने सुबह सुबह जाता हूँ,
तो मैं हॉवरबोर्ड, स्केटबोर्ड या जो भी मेरे को जब मज़ा आता है तो मैं वो चलाता हूँ। और इसके अलावा मुझे स्केट्स वगैरह भी बहुत पसंद है। साथ में ये लटकने का है क्योंकि सभी कहते हैं मेरी हाइट कम है, जो मैं रिलक्टेंट हूँ और मैं लटकता नहीं ज़्यादा, बट स्टिल ये लगा रखा है, इसकी ग्रिप भी टूट गई इस साल। तो फिर ये कुछ क्लासेस हैं और मैं ऐसे ही मेरी साइकिल वगैरह भी चलाता हूँ और ऐसे मैं जनरली करता रहता हूँ। जैसे कि ये मेरा स्केटबोर्ड है और स्केटबोर्डिंग भी मेरे को बहुत पसंद है। स्टिल यहाँ रिंक वगैरह ज़्यादा नहीं होते। तो अब मैं आपको अपने जो मेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह है इस घर की, जो मेरी फेवरेट जगह है, उसकी तरफ लेके जाता हूँ। तो ये हमारा एक रूम है जहाँ पर पहले प्रोजेक्टर वगैरह लगा हुआ था। आजकल इसकी जो हालत है वो अच्छी नहीं है। अगर आप सारा देखें तो ये पूरा व्यू है, ये आधा था पहले, फिर वो आधा हो गया, इट वॉज़ द सेपरेशन। ये रूम अभी बिल्कुल ही खाली है और इट्स यूज्ड एज अ स्टोर रूम आप कहें। ये अभी पूरा रेनोवेट होना बाकी है। अरे इसका ताला लगा है, मैं मम्मा से कहूँगा इसका ताला खोले, तब तक मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। मम्मा एक्टिविटी रूम का ताला खोल दो। ओके, तो तब तक ये मैंने कह दिया है, ये 2 मिनट में कर देंगी। तो अगर मैं आपको आगे बताऊँ तो हम यहाँ क्रिकेट खेलते हैं वहाँ आगे, और ये हमारा पूरा एरिना रहता है और यहाँ एक वृद्धाश्रम बन रहा है और उससे आगे तक हमारी बॉल जाती हैं, फिर हम लेके आते हैं। तो ऐसे ऐसे हमारे 2 लॉन्स हैं और शायद अब हमारा गेट खुल गया होगा। हाँ, तो नाउ लेट्स कम। और ये हमारा एक्टिविटी रूम है जो कि खाली पड़ा है। मेरी साइकिल है, मेरी साइकिल वैसे दीदी जी की साइकिल थी, फिर ये पुरानी हो गई, फिर ये मेरे को मिल गई साइट्रस। हाँ, अभी ये इसकी थोड़ी हालत ख़राब है, बट स्टिल लेट्स गो फॉरवर्ड। ये ताले चाबी की प्रॉब्लम आ रही है। और आगे हमारा कई सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो मैं करता हूँ। तो सुबह सुबह मैं उठता हूँ घर में और फिर मैं आता हूँ यहाँ लॉन वगैरह के अंदर अपना कुछ थोड़ा बहुत खेल के, फिर ये है मेरा अल्टीमेट डेस्टिनेशन। और जो ये डेस्टिनेशन है वो इतना अच्छा है, मैं आपको क्या बताऊँ। ये हमारा बाग है जो कि मेरे पापा जी ने 3-4 साल पहले बनाया था, और ये इसी के लिए बनाया कि हम मार्केट के अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स से युक्त जो फ्रूट्स और सब्जियाँ होती हैं वो नहीं खाए, और ये सिर्फ हमारे लिए बनाया था। और अभी 3-4 साल इसको हो चुके हैं, कुछ पेड़ बड़े हैं। अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे चीकू और अनार वगैरह के पेड़ हैं, और यहाँ बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, वो भी खाते हैं, फिर हम भी बहुत ही ज़्यादा खाते हैं। यहाँ भी कुछ दिन पहले अमरूद इतने टेस्टी लगे हुए थे, और अभी कीनू वगैरह भी लगे हुए हैं। तो ऐसे कई कई फ्रूट्स यहाँ पर, मेजॉरिटी ऑफ फ्रूट्स लगते रहते हैं। सेब है, सेब यहाँ पर होता है बहुत ही बिल्कुल ही गर्मी के अंदर, बट इट्स रियली ग्रेट सेब। और ये हमारे कीनू वगैरह हैं। तो इस टाइप के यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं। तो मैं सुबह सुबह क्या करता हूँ, मैं जल्दी उठ या जब भी मैं उठता हूँ तो उसके बाद मैं यहाँ आता हूँ, और यहाँ आने के बाद यहाँ की जो ऑक्सीजन वॉल्यूम होती है, यहाँ के जो शांति मिलती है, यहाँ पर जो मज़ा आता है, ठंडक मिलती है, दैट इज़ रियली ऑसम। और फिर ये हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो कि पापा जी कहते हैं, और ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है जो कि अभी तक बना नहीं है। तो ये है हमारी हट, झोपड़ी, जिसे हम कुछ दिनों में तैयार करेंगे, क्योंकि कभी कभी किस्तों में पूरी होती है, जब भी मन करता है तब हम इस पर लग जाते। तो अभी इसको एक हमने शेप दी है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एक पीछे यहाँ पर एक हट बना रहे हैं जिसके अंदर हम इसको पत्तों से बनाएंगे, और इसको बिल्कुल ही ठंडा के जब भी हम सुबह आए और हम यहाँ पर पढ़ें, हम डिस्ट्रैक्शन से दूर पूरे मज़े के अंदर। और ये हमारे गन्ने लगे हुए हैं क्योंकि गन्ने मुझे बहुत पसंद है, और मैं एक दिन में 10-10 गन्ने खा लेता हूँ, चूस लेता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे गन्ने हैं, फिर अमरूद वगैरह के पेड़ हैं, तो ऐसे ऐसे लीची वगैरह सारे टाइप के पेड़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और मैं सुबह डायरेक्ट फिर यहाँ आता हूँ, फिर उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं। आजकल ऑनलाइन क्लासेस करने के बाद मैं वापस नीचे आता हूँ और फिर मैं वहाँ खेलता हूँ जो भी मेरा मन होता है, जैसे जनरली क्रिकेट, या फिर अगर मेरा स्केटबोर्डिंग, या फिर जो भी मेरा मन है। यहाँ पर अभी घास बहुत ज़्यादा ऊँची हो रखी है, तो मैं यहीं से आ जाता हूँ। तो यहाँ पर कुछ बेल लगी हुई हैं, तो हमको इनको छोड़ पास करने, बिकॉज इट्स नॉट टू जंप ऑन देम। और ये मेरी मम्मा हैं जो कि अभी देख रही हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, हाय कर रही हैं। तो विद दिस आईड लाइक टू, मैं आपको आगे वापस से एक चीज़ शो करता हूँ, और ऐसी मैं अपनी डेली वीडियोस डालता रहता हूँ। मेरा अपना छोटा सा यूट्यूब चैनल है जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले बनाया था, कौटिल्य पंडित गूगल बॉय के नाम से, जिसमें मैंने बुके की फ़ोटो खींची है, जहाँ पर मैं अपनी पढ़ाई की 11th 12th के कॉन्सेप्ट्स, मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल और अपनी जर्नी बताता हूँ, जिसके अंदर आप कैसे इंस्पायर हो सकते हो, कैसे कुछ बड़ा कर सकते हो। फिर हम वापस आ चुके हैं अपने घर के अंदर, और यहाँ पर 2 ऐसे छोटे बच्चे जो अभी आए हैं, ये मेरे एक अंकल जी हैं, पंकज अंकल जी, और इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनसे अगर आप मिलोगे देन यू विल बी रियली फैसिनेटेड, क्योंकि जितना ये मज़े करते जब भी आते हैं तो हम पूरा मज़ा करते हैं। और ये निहू और पुच्चू 2 छोटे छोटे बच्चे आए हैं, और ये अगर आप इसकी बात सुनोगे इस छोटी सी बच्ची की, अभी इसका मन नहीं है, दैट्स रियली ग्रेट, अभी इसका मन नहीं है,
बट स्टिल हम आपको इनको उससे मिलवाते हैं। फिर ये करने के बाद फिर मैं ऊपर जाता हूँ, फिर रात को मैं थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ जो भी उन बुक से ही, और मैं से जनरली मैं अंदर बाहर का पूरा अपना रिलेशन मैनेज करता हूँ, मतलब मैं ऊपर भी रहता हूँ नीचे भी रहता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैं सुबह आऊँ और नीचे जाऊँ, और क्योंकि तब मेरे को जो माइंड है वो बहुत ही फ्रेश फील करता है, ऑक्सीजन की वॉल्यूम बढ़ जाती है, ठंडक महसूस होती है। तो सुबह उठते मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पर पूरे मज़े करता हूँ, फिर मैं स्विमिंग मतलब सॉरी स्विमिंग तो आजकल नहीं है, तो मैं फिर स्केटबोर्डिंग साइकिलिंग और अपने सारे गेम्स खेलता हूँ। और ये हमारे जैसे अभी मैंने पहले बताया था कि अभी मैं क्रिकेट खेलता था यहाँ, तो हमारी यहाँ बॉल चली जाती थी, और अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एक वृद्धाश्रम बन रहा है, दादाजी बना रहे हैं, और यहाँ अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम, तो यहाँ पर ऐसे सोशल कॉजेज दादाजी भी करते रहते हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे काम होते रहते हैं जिसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और मज़ा आता है। तो ये मेरा एक जनरल डेली रूटीन रहता है, मैं घर में जाता हूँ, पढ़ता हूँ, नीचे आता हूँ, पीछे जाता हूँ, और ऐसे ही मज़े करता हूँ। तो आई ट्राई टू बी विद नेचर, आई ट्राई टू बी विद एवरीथिंग। और एक चीज़ मैं आप सभी स्टूडेंट्स को जितने भी देख रहे हैं वो कहना चाहूँगा कि मेरे पापा जी कहते हैं कि स्टूडेंट एक स्टूडेंट की सफलता के अंदर ये मैटर करता है कि आप कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हो, आप कितने ज़्यादा फिजिकल चैलेंजेस फेस करते हो, क्योंकि कोई भी अपने जो फील्ड में टॉप पे है उन्होंने अपनी जो बॉडी है उसको बहुत ज़्यादा कष्ट दिए। अगर आप करंटली देखें तो बाबा रामदेव 20 साल के अंदर ही बड़े हुए, लेकिन उन्होंने अपनी बॉडी से बहुत सारे काम करे हैं। इसके अलावा इलॉन मस्क, उन्होंने भी ही वॉज वर्किंग एट अ वेरी स्मॉल रेट ओनली, बट स्टिल ही वर्कड। तो आपको फैसिलिटी से दूर रहना, और इसलिए हम यहाँ रहते, वैसे तो मैं गुड़गांव भी रहता हूँ, तो फैसिलिटी से दूर नेचर के साथ जितना जनरल हो सके, जितना कम हो सके, मैं उसके अंदर रहता हूँ, और फिर मज़ा आता है। और दिस इज़ एक्चुअली आर जनरल वर्क, और ये हमारा स्कूल है, घर है, स्कूल के ऊपर घर है, और यही हमारा जनरल है। एंड विद दिस आई लाइक टू एंड, एंड हेयर इट्स मी कौंडल्य पंडित साइनिंग ऑफ। और अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब करा तो उसको भी कर लेना, बिकॉज देर वुड बी अ लॉट ऑफ ग्रेट वीडियोज इन इट।